तो गाइज आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है क्योंकि आज मैं बनने वाला हूँ घोस्ट राइडर। तो आज तो यार मेरा सारा काम हो चुका है, तो चलो अब टीवी में देख लेता हूँ क्या न्यूज़ आ रही है। और ये क्या आ रहा है भाई साहब, घोस्ट राइडर फॉर वन डे, मतलब गाइज मैं एक दिन के लिए घोस्ट राइडर बन सकता हूँ और उसके लिए मेरे को अपने फ़ोन में एडजस्ट टूल के अंदर घोस्ट राइडर लिखना होगा। तो गाइज ये मौका मैं नहीं छोड़ सकता, तो चलो मैं जल्दी से लिख देता हूँ यहाँ पर घोस्ट राइडर। तो गाइस फिर देखूंगा मैं बन पाऊंगा या नहीं। तो गाइस मैंने लिख दिया, मैं टिक कर देता हूँ। और ये देखो कंप्लीट ऑल टेस्ट फॉर घोस्ट राइडर। तो गाइस मेरे को कुछ टेस्ट देंगे शायद ये, जो मेरे को कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो अच्छा गाइस सबसे पहले मेरे को एक घोस्ट का फेस ढूंढना है जो कि कंटेनर के ऊपर रखा हुआ है। तो चलो गाइस इस लोकेशन पर मैं जाके घोस्ट का फेस ढूंढ लेता हूँ। तो गाइस आज तो मैं बनने वाला हूँ घोस्ट राइडर, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलो चलता हूँ मैं उसी कंटेनर वाले एरिया में और देखता हूँ कि वो घोस्ट का फेस किधर वाले कंटेनर पे है। तो गाइज मैं आ तो चुका हूँ कंटेनर्स के पास, यहाँ बहुत सारे कंटेनर है और वो ब्लू कलर के कंटेनर के ऊपर था। और वो कंटेनर गाइज मेरे को दिख गया उस बिल्डिंग के ऊपर, वो काफ़ी दूर है अभी। तो गाइज मैं ना यहाँ से रास्ता ढूंढ रहा हूँ कि मैं कहाँ से जा सकता हूँ। तो वो जो कंटेनर वहाँ से आ रहे हैं वो पहले उस वाली बिल्डिंग से कनेक्ट और फिर इससे और फिर इस वाली, मतलब तीन बिल्डिंग से कनेक्ट होकर यहाँ आ रहे हैं। तो चलो गाइज मैंने रास्ता तो देख लिया है, बस मैं जा पाऊँ वहाँ पे आराम से, क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक रास्ता होने वाला है मेरे लिए। यहाँ पे मेरे को स्पीड को भी बैलेंस करना पड़ेगा और अगर मैंने गलती से भी स्पीड धीरे या तेज़ करी तो मैं डायरेक्ट नीचे जाने वाला हूँ। तो चलो गाइज मैं यहाँ पे तो आ चुका हूँ आराम से और अब मेरे को जाना है राइट में, क्योंकि लेफ्ट में तो वो दूसरा रास्ता है, राइट में ये है। और भाई यार ये देखो कैसे लगा रखे हैं कंटेनर यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है मेरे को वहाँ पहुँचने के लिए। तो कोई बात नहीं, अब मेरे को यहाँ से नीचे जाना है। और अरे ये क्या हो गया यार, मेरी बाइक अटक गई यहाँ पे, पता नहीं यार इस टाइम ही क्यों हो गया ये सीन। रुको मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, सबसे पहले हेलमेट पहन लूँ, नहीं तो अगर नीचे गिरा तो डायरेक्ट खोपड़ी फूट जाएगी मेरी। तो चलो गाइज मैं निकालने वाला हूँ बाइक को। और ये देखो गाइज मैंने निकाल ली और मैं बच गया, अब पीछे लेता हूँ। ओ भाई फाइनली गाइज मैंने बाइक को निकाल लिया है, नहीं तो यार मैं सीधा नीचे जाता और फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती मेरे को। तो अब मैं यहाँ से डायरेक्टली आगे जाता हूँ, अब सीधा रास्ता है फिलहाल के लिए तो। और गाइज वो तो मैं ये वाली बाइक सही लिया है, ये ना काफ़ी सही स्पीड पकड़ते हैं, मतलब इसका पिकअप भी अच्छा है। नहीं तो गाइज अगर और कोई सी बाइक होती तो शायद मैं अब तक गिर जाता यहाँ से, इसके ब्रेकिंग भी बहुत बढ़िया है। तो गाइज मेरे को आगे वो कंटेनर दिख रहा है, मैं जल्दी से वहाँ पर जाता हूँ बस यार, यहाँ से आराम से इधर की तरफ। और ये मैं आ गया, अब गाइज वो आगे की तरफ है बिल्डिंग के ऊपर और वहाँ के कंटेनर थोड़े ख़तरनाक है, तो मेरे को बिल्कुल बिल्डिंग से चिपक के बाइक चलानी पड़ेगी यहाँ से, नहीं तो गाइज मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता मैं, नहीं तो डायरेक्टली मैं नीचे जाऊँगा। अरे यार बच गया अभी अभी यार, यहाँ से ध्यान से जाना पड़ेगा गाइज मेरे को ऊपर। तो गाइज ये रहा लास्ट कंटेनर और ये मैंने दी स्पीड, आ चुका हूँ गाइज मैं ऊपर, बिल्कुल आराम से ब्रेक लग गए। तो चलो गाइज अब मैं सबसे पहले हेलमेट उतार देता हूँ, अब मैं सेफ हूँ बिल्कुल। पर गाइज वो रहा आगे घोस्ट का फेस, तो चलो गाइज इसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, फाइनली मिल तो गया। तो अब मैं अगली चीज़ देखता हूँ कि क्या अगली चीज़। सबसे पहले बाइक से नीचे जाता हूँ और अगर मैं वहाँ से ही जाऊँगा रास्ते से बहुत देर लगेगी, तो गाइज मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से जंप करवा दूँ क्या यार। ओ भाई अभी बाइक गिर जाती है, अरे यार ये बाइक का टायर देखो किधर की तरफ अटका हुआ है। तो मैं रास्ता भी देख रहा हूँ यार, पर यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा मेरे को नीचे का। तो चलो गाइज कोई बात नहीं, सबसे पहले हेलमेट लगा ही लेता हूँ मैं दोबारा से, मैंने वहाँ फेंक दिया था वाला। तो गाइज अब मैं जंप लगा रहा हूँ, देख लेंगे जो भी होगा। तो मैंने बाइक को यहाँ से कूदवा दिया है और ये बिल्डिंग थी गाइज सही है, मैंने सही डायरेक्शन में जंप लगाई। तो गाइज मैं ईजिली यहाँ पर आ चुका हूँ नीचे की तरफ और परफेक्ट भाई आ चुका हूँ मैं। और अब मैं अगली चीज़ देखता हूँ फ़ोन में क्या है, क्योंकि मैंने ढूंढ तो लिया है घोस्ट का फेस तो मिल गया, तो देखता हूँ मैं क्या है। और गाइज ये है घोस्ट राइडर चेन, अच्छा तो गाइज ये है पेट्रोल पंप के ऊपर। और चलो मैं इसको ढूंढने चलता हूँ गाइज, ये वाली चेन भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होती है घोस्ट राइडर के पास, क्योंकि इसमें से पूरी आग निकलती है ना इसलिए। तो गाइज मैं आ चुका हूँ अभी पेट्रोल पंप के पास और अब मैं जाने वाला हूँ इससे ऊपर, वहाँ पर एक रैंप लगा हुआ है तो यहाँ से मैं जाने वाला हूँ और आराम से बिल्कुल ब्रेक मार देता हूँ। अरे यार लगता है मैंने बहुत पहले ही ब्रेक मार दिए, थोड़ी ज़्यादा ही कम स्पीड हो गई। अरे यहाँ भी अटक गई यार, पता नहीं मेरे साथ ही क्यों रहा जैसा। चलो कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर लेता हूँ, इस बार तो हो ही जाएगा। तो गाइस अब मैं बिल्कुल आराम से जाने वाला हूँ और ये, अरे यार लगता है अब ज़्यादा स्पीड हो गई यार। कोई बात नहीं गाइस, इस बार तो मैं करके ही रहूँगा।
अब मैं बिल्कुल पहले ही ब्रेक मार रहा हूँ और स्पीड थी मेरी पहले और मैं आ चुका हूँ गाइस। जब भी ये गिर जाती पर मैं बच चुका हूँ इस बार, तो चलो सही है। और चलो मैं चैन को उठा लेता हूँ, ये रही गाइस घोस्ट राइडर वाली चैन, तो इसको भी मैंने कलेक्ट कर लिया है। अब मैं नीचे जाके देखता हूँ अगली चीज़ क्या होने वाली है अपनी। तो मैंने घोस्ट का फेस और चैन को कलेक्ट कर लिया है और अगली चीज़ देखते हैं गाइस। मैं घोस्ट राइडर आज बन के ही रहूँगा। तो अगली है गाइस ये घोस्ट राइडर की बाइक, यार कितनी ज़्यादा खतरनाक लुक है इसकी, ये देखो। और ये है बिल्डिंग पे, कंस्ट्रक्शन साइट में है ना जो बिल्डिंग, वहाँ पे है ये। तो चलो यार इसके लिए तो मेरे को रुका नहीं जा रहा है, यहाँ पे जल्दी से मैं जाता हूँ और उसको ले लेता हूँ घोस्ट राइडर बाइक को। और फिर शायद गाइस मेरे मिशन हो ही जाएंगे जहाँ तक मेरे को पता है, पर मैंने अभी वह ज़्यादातर तो चीज़ें ढूंढ ली, पर देख लेता हूँ मैं। यहाँ पे गाइस मेरे को बिल्डिंग तो दिख नहीं रही कहीं पे भी, और वो रही गाइस बिल्डिंग, आगे दो बिल्डिंग है और वो वाली घोस्ट राइडर बाइक पहले इस पे ही चेक कर लेता हूँ, अगर इस पे नहीं मिली तो उस वाली पे होगी। तो चलो गाइस मैं आ तो चुका हूँ यहाँ पे, अब मैं बाइक को यहीं पे खड़ी कर देता हूँ, नहीं तो ऊपर ऐसे जाऊँगा बाइक लेके तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तो चलो गाइस मैं अभी थर्ड फ्लोर पे आ गया और यार इसमें लगता है फोर्थ फ्लोर भी है ऊपर, तो चलो मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ। और यहाँ पे और गाइस ये देखो फाइनली यहाँ पे घोस्ट राइडर वाली बाइक मेरे को मिल चुकी है। अब भाई इसको ड्राइव करना है, जल्दी से मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। भाई साहब क्या खतरनाक लुक आ रही है यार इसमें, देखो कितनी ज़्यादा आग निकल रही है पूरी में। तो गाइस ये तो बाइक काफ़ी ज़्यादा मस्त है, इसलिए मैंने यहीं से ही इसको कुदवा दिया, इतने से तो इसका कुछ होने वाली नहीं। और ये देखो मेरी पुराने वाली बाइक ये पड़ी, तो इसके पास जाके अरे ये क्या भाई साहब, जैसे मैं इसके थोड़ा सा पास गया और टच करी ना, ये फट गई एकदम। मतलब गाइस इसमें जो आग है ना ये ब्लास्ट कर देती है दूसरों की कार्स को। भाई यार ये तो काफ़ी खतरनाक बाइक है, पर कोई बात नहीं मस्त है ये भी। तो चलो मैं अगला मिशन देखता हूँ गाइस, पहले इसकी लुक देखो यार क्या मस्त लग रही है। तो गाइस मैंने तीन चीज़ें तो ढूंढ ली और चौथी बूम थ्री कार्स। अच्छा तो गाइस अब मेरे को जो मेरी घोस्ट राइडर बाइक मिली है ना, इससे मेरे को तीन कार को ब्लास्ट करना है। तो गाइस इस काम में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है मेरे को। तो चलो मैं देखता हूँ कि पहला बकरा कौन बनने वाला है मेरी इस बाइक से। तो गाइस ये रही आगे लैम्बोर्गिनी, इसमें ठोक देता हूँ डायरेक्ट। ओ भाई साहब ये देखो जैसे मैंने इसमें ठोकी ब्लास्ट हो चुके वो। भाई ये काफ़ी ख़तरनाक बाइक है और पूरे शहर में किसी के पास इतनी तगड़ी बाइक नहीं है। तो चलो अब मैं इसको भी ठोक देता हूँ। ओ भाई ये क्या हो रहा है यार, मैं ही उड़ गया आसमान में और मेरी बाइक कहाँ गई यार। यार मेरी बाइक दूर ना चली गई हो बस कहीं पे। और गाइस वो रही मेरी बाइक, तो मैंने दो उसको तो फाड़ दिया गाड़ी को, और ये तीसरी गाड़ी ये रही इसको भी फाड़ देता हूँ मैं। और ये ब्लास्ट हो चुका है ये देखो भाई। तो गाइस मैंने तीन कार को ब्लास्ट कर दिया यहाँ पे पूरा तरीके से। तो चलो अब मैं देखता हूँ फ़ोन में मिशन कंप्लीट हुआ या नहीं। तो भाई काफ़ी मज़ा आ रहा है वैसे इसको चलाने में। ऑल मिशन कंप्लीटेड गाइस, फाइनली ऑल मिशन कंप्लीट हो गए, कम होम। मतलब गाइस अब मेरे को अपने घर जाना है, तो चलो देखते हैं घर जाके क्या होने वाला है, शायद मैं घोस्ट राइडर में चेंज हो जाऊँ यार। तो चलो गाइस मैं आ तो चुका हूँ घर पर और जाता हूँ अंदर। और ये क्या यार चारों तरफ क्या हो रहा है। तो फाइनली गाइस ये देखो मैं घोस्ट राइडर में चेंज हो चुका हूँ, मेरे को लग ही रहा था कि मैं बन जाऊँगा घोस्ट राइडर। ओ भाई साहब काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है, मेरे सारे मिशन हो गए थे ना इसलिए। तो गाइस ये देखो मेरे पास घोस्ट राइडर की बाइक आ चुकी है, तो चलो इससे मैं मारता हूँ यार थोड़ी ड्रिफ्ट। ये देखो भाई स्टंट मार रहा हूँ यार मैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो गाइस इतना ही नहीं, मेरे पास कार भी है घोस्ट राइडर की, चलो उसको भी ले लेता हूँ। ये रही गाइस मेरे पास कार वाली। और भाई ये देखो कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है यार ये, इसके चारों टायर में से ना आग निकल रही है। तो यार काफ़ी मज़ा आ गया मेरे को तो घोस्ट राइडर बन के। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता देना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए।